बात है जी। तो बात कर रहे थे उस पर जी, 7-8 बजे ही होया जी। तो वह मिशा में टक्कर लग गया गुरुंडा के पास, जो को सीनर चौंडी है, तो मोटर पेट्रोल पंप है, उसके सामने टक्कर लग गया। सामने सर ये काम से आ रहे थे और आते हुए जैसे वो अपनी साइड में थे, सामने टक्कर हो गई। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां एक तरफ हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार दिवाली के लिए तैयारियां कर रहा है, अपने घरों को सजा रहा है, लेकिन ऐसी एक खबर, दुखद खबर जो है आप देख सकते हैं, करनाल के एक घर में आती है, जहां पर 20 साल के मां बाप के इकलौते बेटे की दुखद मौत हो जाती है। इस समय आप देख सकते हैं परिवार के लोग करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है, और जानकारी ये मिली है कि आमने सामने दो बाइकों में काफी जोरदार तरीके से टक्कर हो जाती है गांव गक्सीना के पास, जिसमें एक 20 साल के नौजवान युवक की दुखद मौत हो जाती है। मां बाप का इकलौता बेटा था। इस समय परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहां पर ये एक्सीडेंट हुआ और जिसकी मौत हुई है वो क्या करता था, क्या नाम है उसका? अंकित जी, गाड़ी कर रहा था। तो कैसे हुआ एक्सीडेंट सर? सर ये काम से आ रहे थे और आते हुए जैसे वो अपनी साइड में थे, सामने टक्कर हो गई। और कहां से कहां जा रहा था अंकित? अंकित जी अपने खोरा खेड़ी आ रहा था गक्सीना की तरफ से। कहाँ काम करता जी? ये टाउनशिप में करता है जी, सिमदर दफा करा जी। तो इकलौता बच्चा था मां बाप का? अकेला लड़का है जी। आपका क्या नाम है? नरेश जी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद खबर है। टाउनशिप जो रिफाइनरी टाउनशिप है, वहां पर काम किया करता था, काम से फिर वापस जा रहा था कि तभी करनाल के हांसी मुनक रोड पर गक्सीना गांव के पास एक ट्रक ने साइड मारी और दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई, जिसमें 20 साल के अंकित की दुखद मौत हो गई। क्या कुछ बताना चाहेंगे भाई, आपको कब जानकारी लगी कि अंकित की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई? ये जी 7-8 बजे की बात है जी। तो बात कर रहे थे उस पर जी, 7-8 बजे ही होया जी। तो वह मिशा में टक्कर लग गया गुरुंडा के पास, जो को सीनर चौंडी है, तो मोटर पेट्रोल पंप है, उसके सामने टक्कर लग गया। सामने अपना जी को है, दो जने बंदे हो रहा वहां गुरुंडा हॉस्पिटल में, दो जने को लग रही, तो तीसरा बंदा ठीक है जम्मू का, उसका कम लग रही बस। चार जने थे एक बाइक पर। आप वाली बाइक जो थी उसमें चार जने थे? हाँ जी। तो चार जने कहाँ जा रहे थे? घर पर ही आते जी वहाँ, एक बंदे ने छोड़ कहा, मतलब तीन बंदे घर पर आते। तो तीनों की हालत गंभीर है? दो बंदा का, तीन बंदे, दो बंदा का लग रही जी वहाँ उड़ा ग्राउंड हॉस्पिटल में। और दूसरी बाइक पे कितने लोग थे? दूसरी बाइक पे दो बंदे थे जी, एक बच्चा, वो भी घायल है? घायल है इसमें जी। आप क्या लगते हैं? फूट रही जी। आप क्या लगते हैं? मैं उसकी बुआ का लड़का हूँ जी अजय। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बताया कि जो मृतक है उसकी बाइक पर तीन और अन्य युवक सवार थे, और इस हादसे में दुखद मौत हो जाती है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर आज त्योहार है, और दूसरी तरफ एक दुखद खबर सामने आती है, जहां पर गक्सीना गांव के पास आमने सामने दो बाइकों में जोरदार तरीके से टक्कर हो जाती है, जिसमें एक अंकित 20 साल जिसकी उम्र है उसकी जो है दुखद मौत हो जाती है। तो लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में हम मौजूद हैं। एक तरफ दिवाली पर हर कोई खुशी मना रहा है, अपने घर को सजा रहा है, लेकिन एक तरफ खबर आती है कि किस तरह से मेहनत मजदूरी करने वाले एक 20 साल के अंकित की जो है गांव गक्सीना के पास दुखद मौत हो जाती है। हालांकि एक गलती जरूर रही, लापरवाही जरूर रही कि एक बाइक पर चार चार युवक सवार थे, लेकिन एक ट्रक ने साइड दे मारी, जिसके चलते बाइक का कंट्रोल नहीं हुआ और सामने से आ रही बाइक जो है दो बाइकों में टकरा जाती है, और इस हादसे में 20 वर्षीय जो मां बाप का इकलौता बेटा था अंकित, उसकी दुखद मौत हो जाती है, जबकि तीन लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी बाइक पर भी जो है एक बच्चा और एक व्यक्ति सवार थे, वो भी घायल बताए जा रहे हैं। बहरहाल दो लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और इस समय 20 वर्षीय अंकित के शव का पोस्टमार्टम जो है करनाल के इसी सरकारी हॉस्पिटल से जो मोर्चरी हाउस है यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ ही देर में जो शव है वो पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। हमारी बार बार आप सभी लोगों से अपील है, पहिया वाहन चालक हैं, अगर आप टू व्हीलर चला रहे हैं और अगर आप सिंगल हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर या नेशनल हाईवे पर सफर कर रहे हैं, तो खास तौर पर दोपहिया वाहन चालकों को बड़े ही सावधानी से चलाने की जरूरत है, क्योंकि जो बड़े व्हीकल्स होते हैं काफी तेज तरीके से गाड़ियां दौड़ाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ऐसे हादसे कई बार देखे जा सकते हैं। इसलिए हमारी अपील है खासतौर पर दोपहिया वाहन यानी कि टू व्हीलर चलाने वाले लोगों से कि सावधानी से जरूर चलें और रात के समय सफर करने से हाईवे पर जरूर बचा जाए, क्योंकि इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं वो अंधेरा होने के बाद काफी ज्यादा देखी जा सकती है, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों की दुखद मौत हो जाती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।